हेलो एवरीवन, मेरा नाम सतीश गवांदे है। मैं औरंगाबाद से रहने वाला हूँ। मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ मेरे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, जो लगभग मैंने 1 साल पहले किया है। 1 साल पहले मैंने हेयर रूट क्लिनिक में मेरा ट्रांसप्लांट किया है, जो कि औरंगाबाद में है। और आज मैं रिव्यू देने वाला हूँ, जो कि मेरा पर्सनल रिव्यू है, मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने ट्रांसप्लांट किया है। आप देख सकते हैं मेरे जो बाल है, अभी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी डेंसिटी दिख रही है यहाँ पे, जो पहले बहुत ही कम थी। ये देखिए, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं काफ़ी नेचुरल दिखता है जो लुक है वो। और मेरे बाल भी काफ़ी अभी अच्छे नेचुरली दिखने लगे हैं, जो कि बहुत पहले कम थे। जब मैं जॉब पे जाता था तब बहुत ही कम बाल थे, तो मुझे थोड़ा डिप्रेशन आता था कि मेरे बाल इतने कम है और लुक अच्छा नहीं आता था। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे हेयर ट्रीटमेंट करना है। मैं औरंगाबाद में, जो मैंने मेरे फ्रेंड ने मुझे रेफ़र किया था, हेयर रूट क्लिनिक का नाम जो रेफ़र किया था औरंगाबाद में, मैं उनसे जाके मिला डॉक्टर से। तो उन्होंने मैंने उनको पूछा कि कोई दवाई दीजिए मुझे, कोई लिक्विड दीजिए जिससे कि बाल आ सके नए। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी कोई दवाई नहीं है जो नए बाल ला सके, और जो नेचुरल बाल आते हैं, जो रहते हैं अपने सर पर, ऐसे किसी दवाई से नहीं आते। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करना है। और मैंने 1 साल पहले, 1 जुलाई को किया था 2017 में मेरा हेयर ट्रांसप्लांट। अभी 1 साल हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जो प्रोसेस, जो मेरे बाल है, जो डेंसिटी है मेरे बालों की, काफ़ी अच्छी दिखने लगी है अभी। और जो मेरा जो नेचुरली हेयर थे, वैसे ही जो ट्रांसप्लांट किए हुए हेयर है वो नेचुरली उसमें एडजस्ट हो गए। पर ऐसा लगता नहीं है कि मैंने कोई ट्रांसप्लांट किया है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि, मैं उनको जब बोलता हूँ कि मैंने ट्रांसप्लांट किया है, मेरे ट्रांसप्लांट किए हुए बाल है, तो उनको ज़्यादा भरोसा नहीं होता है। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं ये नेचुरली है, ट्रांसप्लांट किया नहीं है। तो इतना नेचुरल लुक आता है बालों के लिए। अगर आपको ट्रांसप्लांट, हेयर ट्रांसप्लांट करना है, तो मैं आपको रेफ़र करूँगा कि भैया आप औरंगाबाद में और न्यू हेयर रूट क्लिनिक में ही कीजिए, जहाँ अच्छे डॉक्टर है, अच्छा ट्रेनर है अच्छे, और हाइजीन भी, जो इन्वायरमेंट है, थिएटर, जो ऑपरेशन थिएटर है, ओटी है, जो इन्वायरमेंट चाहिए, हाइजीन, वो भी वहाँ पे अच्छा है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं शेयर कर रहा हूँ दोस्तों आपके साथ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बालों का प्रॉब्लम होता है, बाल गिरते हैं बाल। और ट्रांसप्लांट के लिए बहुत सारे, जो मेरे दोस्तों ने ट्रांसप्लांट किया था कुछ साल पहले, किसी ने नासिक में किया, किसी ने पुणे में किया, उन्होंने 1-1 लाख रुपए खर्च कर दिए, जो कि जिनको अच्छी हेयर ट्रांसप्लांट जो किया है, उन्होंने अच्छे बाल नहीं आए उनके। जो मेरे साथ रहते हैं और जो मेरा ट्रांसप्लांट देखते हैं, कि उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अच्छा है, मेरा ट्रांसप्लांट हो चुका है, और जो बहुत ही नेचुरली भी दिखता है, और वो काफ़ी खुश होते हैं कि मैंने औरंगाबाद में किया और उनको भी मैंने रेफर किया है मेरा। अगर आपको ट्रांसप्लांट करना है, तो मैं आपको औरंगाबाद के न्यू हेयर रूट क्लिनिक में ही करूँगा कि आप वहाँ जाके डॉक्टर से मिले एक बार, और वहाँ आप फिर बाद में डिसाइड कीजिए कि आपको करना है कि नहीं, लेकिन आपने एक बार वहाँ पे विजिट करनी है। जब मैंने डॉक्टर साहब को पहली बार दिखाया, तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। मुझे बहुत टेंशन आता था पहले कि बाल आएंगे कि नहीं आएंगे, डॉक्टर साहब अच्छा परफॉर्म करेंगे कि नहीं करेंगे, तो मुझे पहले ऐसा लगता था। जब मैंने प्रोसेस किया, 1 साल गुजर गया, तो काफ़ी अच्छा लगने लगा है, बाल भी अच्छा आ गए, नेचुरल दिखते हैं। जो मेरे बालों की डेंसिटी है, आप देख सकते हैं जो कितनी घनी डेंसिटी आ चुकी है मेरे बालों की, जो कि एक अच्छे हॉस्पिटल और अच्छे डॉक्टर ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको ट्रांसप्लांट करना है, तो ये मेरा पर्सनल रिव्यू है, अगर आपको ट्रांसप्लांट करना है तो आप औरंगाबाद की हेयर क्लिनिक में कीजिए। थैंक यू।